बता देंगे। होगा बच्चों, पीछे हमने पाठ 8 सत्संग का महत्व आपको समझाया था, आज उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, सत्संग का क्या अभिप्राय? क्वेश्चन आपकी बुक में है, मैं केवल आंसर आपको लिख देता हूं। सत्संग का क्या अभिप्राय है? तो आप लिखेंगे प्रश्न 1 का उत्तर 1, सज्जनों के साथ संग अर्थात मेलजोल करना उनके पास बैठना उनका उपदेश सुनना सत्संग कहलाता है। यानी उत्तर क्या हुआ बच्चों? सज्जनों के साथ संग, अच्छे लोगों का संग करना अर्थात मेलजोल करना, उनके पास बैठना, उनका उपदेश सुनना, उनसे बात करना सत्संग कहलाता है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कि संघ का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिखेंगे आप प्रश्न 2 का उत्तर, वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके संग तथा परिवेश के आधार पर ही हुआ करता है। व्यक्ति जैसे परिवेश, परिवेश होता है बच्चों वातावरण, जैसे परिवेश में रहता है अच्छे या बुरे जैसे भी लोगों का संग करता है वैसा ही स्वभाव उसका बनने लगता है। अपने
संगी साथियों, आचरण इसको आगे लिखेंगे बेटा, पूरा करेंगे। जैसा ही उसका आचरण होने लगता है, उनके गुण दोष उसके अपने गुण दोष बनने लगते हैं। यही कारण है कि धर्मशास्त्र और महापुरुष सत्संग पर बल देते हैं। और संगति से दूर रहने के लिए कहते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन दो था, संघ का व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम लिखेंगे अगला प्रश्न है, जल की बूंद के द्वारा उदाहरण द्वारा नीच मध्यम और उत्तम संगति का परिणाम प्रकट करें। प्रश्न तीन का उत्तर है बेटा ये, जिस प्रकार जल की बूंद गरम तवे पर पड़ने पर नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर मोती जैसी लगती है, और वही बूंद
स्वाति नक्षत्र में समुद्र की सीपी में गिर जाए तो मोती बन जाती है। उसी प्रकार सत्संगति व्यक्ति को चमका देती है। नीच की संगति व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अब थोड़ा सा कुछ बचता है तो हम आगे इसका आंसर करेंगे। बस एक लाइन है, अच्छी संगति से व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व निखरता है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर था 3। अब है अगला क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव प्रकट करें। कबीर का कथन है कि कबीरा संगत साधकी जो गंधी की बांस जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। अर्थात सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास में रहने के समान है।
यदि गंधी अपना पित्र फुले आदि कुछ ना भी दे तब भी जब तक वह पास में रहता है वातावरण सुगंधित बना रहता है। और पास बैठने वाला सुगंध लेकर ही जाता है। साधुओं की संगति सच्चा वैकुंठवास। बच्चों वैकुंठवास का अर्थ होता है स्वर्ग में रहना। बस एक छोटा सा एक लाइन का आंसर और है, पांचवा क्वेश्चन जो है आपका, यह सारा अभ्यास कंप्लीट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग के बारे में क्या कहते हैं? तो आप उत्तर लिख लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है बिन सत्संग विवेक ना होई। अर्थात सत्संग के बिना भले बुरे की पहचान नहीं होती। बस ये आपका बच्चों हो गया पाठ आठ का सारा अभ्यास। सारा काम आप करेंगे। धन्यवाद।